उनके फाउंडर्स डे पे मुबारक देता हूं, और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के खास तौर पे मुस्तकबिल को तहफ़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को खास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज्यादा मौसम की तब्दीली क्लाइमेट चेंज से खतरा है। और इसलिए यह जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन मां बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम अज कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी वो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाजा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान ने कितना बड़ा हमें तोहफा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहां हर किस्म का दरख्त लग सकता है, यहां हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। ये अल्लाह की खास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी जमीन की, जो अल्लाह ने हमें ये जमीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में ये अजाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज को भी इंसानियत को खतरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज किया है, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा इत्माद है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब हम इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस तरह, जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इससे ये भी, ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारा ये जो, हमारी जो कोशिश है, ये दुनिया ने एक्नॉलेज की है। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक्नॉलेज किया, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान लीडर्स हैं क्लाइमेट चेंज की,
क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जंग दुनिया लड़ रही है। तो मैं फिर से अपने सारे कौम को ये आज सारी कौम को ये इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हमने अभी तक जो अपने मुल्क की परवाह नहीं की, इससे हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है तो आज से सारा मुल्क इस मुहिम में शजरकारी में शिरकत करें। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हमारा मुल्क दुनिया में उन 10 ममालिक में से एक है जिसके माहौलियाती तब्दीलियों से खतरात लाक हैं और कम अज़ कम एक ख़ानदान को 5 दरख्त लगाने चाहिए और फिर उनकी हिफाजत करनी चाहिए। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारा मुल्क नेमतों से माला माल है।